ठीक है, डबल एंट्री बुक की भाई। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बताएं। ठीक है, आप कह रहे हैं बी, बाकी बताएं। स्टार्टेड बिजनेस पेइंग 50,000 इनटू बिजनेस, तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट 18। अब इसमें क्या है, इसमें कार इन्वेस्ट की है ना, तो आप कैश या बैंक की जगह कार डेबिट हो जाएगी, कार डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन सी कार डेबिट कैपिटल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा इसमें एक टी अकाउंट बना हुआ है, आपको बताने के व्हाट इज द बैलेंस ऑन जॉन्स अकाउंट एट 31 जनवरी। अच्छा आंसर बैलेंस बताना है, तो कंप्लीट अकाउंट बना हुआ है, बैलेंस कितना आ रहा है इसका, बैलेंस है कितना, बैलेंस कितना है, 900 बैलेंस है। अब इसमें आपको साइड बतानी है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट डेबिट ओके बैलेंस होनी कहाँ लिखा है, सीडी 31 जनवरी लिखा हुआ है, क्लोजिंग हुआ। अच्छा आंसर ऑप्शन बताएं, होगा आप बताएं। अच्छा अभी हाँ डी डी आदि गर्ल्स बताएं, सी या डी, सी सी। अच्छा सी क्यों, सी क्यों, डी क्यों, कौन क्रेडिट हो रहा है, डी क्यों हो रहा है, कहाँ लिखा है क्लोजिंग बैलेंस पूछा उसने, तो डेट डेट है बस 31। अच्छा सही हो गया, और यहाँ पे अगर फर्स्ट फैब होता सी डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो हमने इसको इक्वल करने के लिए 900 वापस कैरेट फॉरवर्ड कर दी थी, इस वजह से बोले, वरना बैलेंस पहले से डेबिट है तो हाँ पहले से राइट साइड बढ़ी है तो फिर ठीक हो क्रेडिट हो जाता, तो अभी फिलहाल डेबिट साइड बढ़ी है, तो सी आंसर, आंसर है इसका सी, डेबिट बैलेंस 900 डेबिट बैलेंस। ठीक अच्छा अगर यहाँ पर डेट 31 के बजाय, 31 के बजाय यहाँ पे डेट होती 25 जनवरी होती, अगर अगर यहाँ पर डेट 30 के बजाय 25 होती, 25 जनवरी को बैलेंस बताएं कितना है, फिर आंसर क्या होता, 25 जनवरी। अभी वो बता दो डेबिट क्रेडिट के विषय की, छोड़ दें इसको, 25 जनवरी को बैलेंस बताएं कितना होगा, डेबिट डेबिट 1700 जी, बाकी बताएं। अगर यहाँ डेट होती 31 जनवरी के बजाय यहाँ डेट होती 25 जनवरी, फिर बैलेंस कितना होता, 1700 डेबिट। अच्छा जी बाकी बताएं, वो ऑप्शन में थोड़ी है, अलग हो गया, उसको छोड़ दें ऑप्शन को। अगर 31 जनवरी की जगह डेट होती 25 जनवरी, फिर आंसर क्या होता, आप कह रहे हैं 1700 डेबिट, और आप भी 1700 डेबिट, बाकी बताएं, ऑप्शन नहीं है वो अलग अलग ही है, कैलकुलेट करिए बताना पड़ेगा, आपका भी 1700 डेबिट आ रहा है। ठीक है और बताएं। अच्छा देखिए 25th का पूछा है ना, 25th जनवरी, तो इसमें हम क्या करेंगे, 25th जनवरी के बाद की जो ट्रांजेक्शन है वो डिलीट कर दें, यानी कि इसमें ये 28 वाली है ना, ये नहीं आएगी, अब ये डिलीट हो गई। अब इसको बैलेंस करेंगे, डेबिट का टोटल कितना है, 1750,
इससे माइनस क्या होगा, 750, तो बैलेंस बचेगा 1700, 1700 बैलेंस आ जाएगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा। अच्छा देखिए, अगर इसको प्रॉपर क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ डेट आएगी 25 जनवरी, कैरी डाउन 1700 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे डेट क्या होगी, फिर 26 जनवरी, ब्रॉट डाउन 1700 होगा, तो फिर डेबिट होगा क्रेडिट होगा, 25th तो यहाँ पर आएगी, डेबिट क्या होगा, बड़ी साइड डेबिट है। अच्छा अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है 31st, अब बड़ी साइड कौन सी है, अभी डेबिट बड़ी है तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डेट कुछ भी हो, डेट कुछ भी हो, जब भी आपसे बैलेंस पूछेगा अपने ब्रॉट डाउन बता, ड्रॉ डाउन किस साइड पर, ठीक है। देखिए डेबिट साइड बड़ी है ना, तो देख लें सिंपली, डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट पर। डेट कुछ भी हो, जब भी आपसे बैलेंस का पूछिएगा आपने क्या बताना है। अच्छा अब एक चीज और है, देखें अगर 31st को आप कह रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, और यहां पे डेट आ जाए 1st फेब, फिर आंसर क्या होगा, फिर आंसर क्या होता, यही होता। अगर 31st को आप कह रहे हैं कि क्रेडिट, और फिर अगर 1st फेब को आप क्या कहेंगे, डेबिट, तो ये क्या बात हुई, क्योंकि देखिए 31st और 1st फेब के बीच को ट्रांजेक्शन हो रही है, साइड कैसे चेंज हो जाएगी बैलेंस की। अब 31st को भी अगर क्रेडिट है तो 1st को भी क्रेडिट होगा, 31st को डेबिट है तो 1st को भी डेबिट ही होगा, क्योंकि 31st और 1st फेब के बीच कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, इसलिए बैलेंस की साइड चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर आप कहते हैं कि 31st को क्रेडिट है तो 1st को भी क्रेडिट होगा, 1st को अगर आप कह रहे हैं डेबिट है तो 31st को भी डेबिट ही होगा, ठीक है। अब ये चीज याद रख ले, डेट कुछ भी हो, डेट कुछ भी हो, बैलेंस जब भी पूछेगा आपने हमेशा ब्रॉड डाउन वाली साइड बताना, क्योंकि बैलेंस हमेशा बड़ी साइड पर आता है, छोटी साइड पर नहीं आता। ये जो हम यहाँ कैरी डाउन देखते हैं, ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाए। देखिए यहाँ पे डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना बन रहा है, बैलेंस को हटा के 850, डेबिट का टोटल है 1750, क्रेडिट का टोटल है 850, लेकिन यहाँ लिखा क्या हमने, और टोटल बन क्या रहा है 850 लिखा क्या, तो ये गलत नहीं हो गया। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 900 लिख देंगे ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए, बैलेंस तीसरे साइड को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। असल में बैलेंस कौन सा होता है, ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस कहाँ आएगा, बड़ी साइड पर, डेबिट साइड पे। आंसर होगा ब्रॉट डाउन देखेंगे तो आंसर इसका होगा सी 900, ठीक है। तो याद रखिएगा डेट कुछ भी हो, जब भी बैलेंस पूछेगा हमेशा अपने ब्रॉट डाउन वाली साइड बता, कैरी डाउन वाली साइड मांगी। फिर बताएंगे जब तक तो मांगेगा। जैसे अभी देखिए आगे एक क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तब उसमें आप कैरी डाउन बताएंगे। जैसे आगे क्वेश्चन है, इस तरह के दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़े 54, 54 इसमें क्या पूछ रहा है, अब यहां लिखा हुआ है बाकायदा कैरी डाउन, इसमें अब आप कैरी डाउन वाली साइड बताएं, ठीक है। आप जैसे ये मशीन अकाउंट है ना, तो मशीन अकाउंट का कैरी डाउन कहां पर आएगा, मशीन आपका एसेट है ना, कौन कौन सा है, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट की नेचर क्या है, एसेट, तो इसका कैरी डाउन किस साइड पर आएगा, कैरी डाउन क्रेडिट पे, ब्रॉट डाउन डेबिट पे, एसेट्स का ब्रॉट डाउन डेबिट होता है ना। अभी आपने अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा एसेट्स अकाउंट का ब्रॉट डाउन सब में डेबिट पे आ रहा है, नहीं नोट किया, चलो सर बताता। अच्छा तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपने कैरी डाउन वाली साइड बताना होगा, अभी हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जिस साइड पर कैरी डाउन आएगा सीडी,
वो साइड आपको बताना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कैरी डाउन, सही है। अब ये क्वेश्चन है 55, इसमें लिखा हुआ है ब्रॉट डाउन, तो इसमें आप बीडी वाली साइड बताएंगे। तो जब ये आंसर लिखा होगा तब आपने साइड बतानी है। अगर और फिर बैलेंस का वर्ड लिखा हो, बैलेंस आपने हमेशा ब्रॉट डाउन बताना। जब भी आपसे ये बैलेंस पूछेगा आप ब्रॉट डाउन बताएंगे किस साइड पर। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 900 डेबिट बैलेंस ऑप्शन सी। अच्छा एक चीज मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, आखिर में बता देता हूँ। फिलहाल लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, कई क्वेश्चंस के ट्रायल बैलेंस बनाए, इसमें एक चीज आपने नोट की होगी। अच्छा तो बैलेंस आप लिख रहे हैं डेबिट क्रेडिट, वो क्या देख के लिख रहे हैं? ट्रायल बैलेंस में ब्रॉट डाउन ना, इसमें आपने एक चीज नोट की होगी, जो एसेट्स अकाउंट है उनका ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आ रहा, हमेशा ऐसा ही होगा। एसेट्स का बैलेंस बीडी डेबिट होगा, एक्सपेंसेस का ब्रॉट डाउन वो भी डेबिट साइड पर आ रहा है, डेबिट है, एक्सपेंस भी डेबिट है, बाकी लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल क्रेडिट, तो हमेशा ऐसा ही होगा। एसेट और एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट। अच्छा ये तो हो गया, नहीं जा सकता कैश कभी नहीं जा सकता, क्योंकि जितना कैश होगा उतना ही पे करेंगे आप, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। एक बार बैंक में पॉसिबिलिटी है कि बैंक से आप ओवरड्रॉ कर सकते, वो फिर बन जाएगी आपकी लाइबिलिटी, नेचर चेंज हो जाएगी ना, तो फिर वो एसेट नहीं रहेगा, वो बन जाएगी लाइबिलिटी, तो बैलेंस ना आएगा फिर क्रेडिट साइड, ठीक है। बाकी कैश में तो पॉसिबल ही नहीं, वाला जब तो मिस्टेक ही हो गया, नॉट डाउन डेबिट पे वो मैच हो जाएगा, वो भी मैं चेक करता हूँ उसके बाद चेक करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन वो गलत है, अगर डेबिट आ रहा है तो कोई मिस्टेक है, याद रखिएगा क्रेडिट होगा, वो मिस्टेक चेक कर लूंगा अभी मैं इसके बाद, लेकिन याद रखे डेबिट नहीं होगा क्रेडिट होगा, पेबल है लाइबिलिटी है क्रेडिट पे आएगा। नहीं वो तो पेमेंट के टाइम पे ना, ट्रांजेक्शन बैलेंस की बात कर, बैलेंस हमेशा डेबिट क्रेडिट पे आएगा, पीडी जो होगा ना वो क्रेडिट पर आएगा, पीडी डेबिट कभी नहीं, अगर डेबिट आ रहा है तो कहीं मिस्टेक है, वो मैं चेक करता हूँ। अच्छा 20 20, लेकिन हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक इफेक्ट हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, एक क्रेडिट में ना। अच्छा अब इसमें क्या लगे, नॉट अकर, क्या पॉसिबल नहीं है, इंक्रीज एसेट डेबिट होते हैं, इंक्रीज लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो ये तो पॉसिबल है, एक इफेक्ट डेबिट हो गया, एक इफेक्ट क्रेडिट हो गया। बी इंक्रीज एसेट डेबिट इंक्रीज कैपिटल क्रेडिट, तो ये भी पॉसिबल है। सी इंक्रीज कैपिटल क्रेडिट इंक्रीज लाइबिलिटी क्रेडिट, दोनों क्रेडिट, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, तो आंसर होगा सी। छठी है इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज लाइबिलिटी डेबिट, तो ये पॉसिबल आंसर होगा इसका सी। ओके 21 21 बताएं, ठीक है बाकी बताएं, इसमें कैपिटल और लाइबिलिटीज नहीं भी है, एसेट्स बताने, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज कितनी है 10 4000, कैपिटल कितना है 10, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एसेट्स आ जाएंगे 14000, और लाइबिलिटी तो भी 4 है, ऑप्शन डी एसेट्स 14000 लाइबिलिटीज 4000। 22 22, ये लास्ट में आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल सुन बैठे मैम, हाँ जाग जाएं। 22 का आंसर बताएं, क्या हुआ चुप हो गए? हाँ रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल,
कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ऑप्शन डी डी करेगा। तो अच्छा ये 23 बाद में सॉल्व करेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक, इसमें एक इक्वेशन यूज होगी, बाद में बताऊंगा। अभी 23 बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। 24 डेबिट डेबिट बैलेंस यूजुअली रिप्रेजेंट एसेट एंड एक्सपेंस। एसेट डेबिट होते हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। ऑप्शन सी। ट्वेंटी फाइव बंद कर रहे हैं, टिकट बंद कर रहे हैं। सी है सर, नहीं मोटरमैन। हाँ डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मोटरमैन ऑन क्रेडिट। तो मोटरमैन डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। ऑप्शन डी डी होगा। डी 26 डी जी। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बैंक बाय द ओनर। अच्छा, तो ये ड्राइंग्स हो जाएंगी। सर, ऑप्शन बी सर। डी अच्छा, वैसे ऑप्शन में इसमें कैश लिखा हुआ है, बैंक होना चाहिए था। तो आंसर होगा ए, ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। क्योंकि कैश की जगह बैंक आना चाहिए था, क्योंकि विड्रॉ कहाँ से किए, बैंक से किए। तो बैंक क्रेडिट होगा, कैपिटल नहीं कैपिटल नहीं लिखा, बिल्कुल भी नहीं। ड्रॉइंग लिखेंगे, जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेंगे तो ड्रॉइंग के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, इफेक्ट अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कैपिटल डिक्रीज। इफेक्ट इसका क्या होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है, लेकिन रिकॉर्ड इसको करेंगे ड्राइंग। अकाउंट बनेगा ड्राइंग का, और अगर इफेक्ट पूछेगा तो आप बताएंगे कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है। 27 डीबी सेल ऑफ डीबी इन्वेंटरी, तो कैश डेबिट सेल, सेल्स क्रेडिट होगी ना। तो बी इंडिया आंसर होगा, ऑप्शन बी। जब हम गुड सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होगी। ट्वेंटी एट अच्छा, लास्ट वाला एसी ऑन है, पीछे वाला, पीछे 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 वाला हेलो। ऑन है। एक मिनट अनवर, ऑन ही नहीं है वो, ऑन कर दो बात। ब्रेकर ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करें, ऊपर है, ऑन हुआ, अभी करवा देते हैं। अच्छा 28 28 डेबिट बैलेंस ना, एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो आंसर ये थोड़ी होगा, कैपिटल है। कैपिटल का बैलेंस बीडी के साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। हाँ, बुरा बड़ा पड़ा ना शुरू से। जब डेबिट बैलेंस वुड बी एक्सपेक्टेड टू अराइज, डेबिट बैलेंस कब अराइज होगा, जब अकाउंट क्लोज करेंगे डेबिट साइड पे कब अराइज होगा। तो जब लेट्स से एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका डेबिट बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट में। राइट्स नहीं लिखा, राइट्स की डेबिट। आंसर क्या होगा, डी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पर आता है। कह तो है, मैं थोड़ी कह रहा, आप लोग कह रहे। आंसर सी है इसका, 28 सी। 29 29 डी क्रेडिट बैलेंस पूछ रहा है, तो डी लायबिलिटी इनकम और कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, नहीं हो सकता। ड्राइंग डेबिट होता है हमेशा, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट होगा, रिसीवेबल एसेट है डेबिट, पेबल्स लायबिलिटी है क्रेडिट होगा। डी आंसर है। 13 एक मिनट,
बोले नहीं, डेबिट होती है, क्रेडिट कहाँ होती है, कहाँ पड़ा था, कम होती है हाँ कम होती है काम होती है ना, वो होती है तो डेबिट है ना, क्रेडिट थोड़ी होती है। क्रेडिट 30 30 13 सर बताएं फाइव। आज लास्ट में आप चाह रहे हो कि आप सारा बताए, ब्लू शर्ट टी शर्ट मैरून टी शर्ट ब्लैक और ब्राउन, इसका आंसर बताएं 30 का, तो पूछा है ना, चुप कर लें। तो ये लास्ट में आप चारों बताएं, आखिरी वाले चार किन से पूछा है वही बताएं, ये आंसर है। अजय आगे वाले चार आप लोग बताएं, तो ये लगे हुए बातों में गप्पे मार रहे, आप किड बोलिए ना, तो पता ही नहीं क्लास में चल गया था। हाँ 2 मिनट अभी तक सो रहे थे, आप वो चाहे यहीं से पढ़ ले, यहीं से वहां टिक नहीं लगा हुआ किड के अंदर जी, तो पूछ रहा हूँ आप कह रहे हैं बी है, हाँ दिया बोले आप आप लोग लोग ए आंसर सही जा जी रहे आंसर हैं, कैश ए है, इसका आंसर है ए, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डेबिट लेकिन लिखा क्या है आप सुन रहे हैं, देखिए हम गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, क्रेडिट पे सेल किए हैं, अच्छा क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल, रिसीवेबल फैन ऑफ कर दे शो कर, क्रेडिट डेबिट सेल की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, जब वो कैश रिसीव होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे फिर, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा ना। अब वो पूछ क्या रहा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर हु पेज 1 मंथ लेटर, 1 महीने बाद पे कर रहा है, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ कैश, रिसिप्ट की एंट्री बतानी है, सेल्स की एंट्री नहीं बतानी, तो 1 मंथ के बाद जब वो पे करेगा तो हमें कैश मिलेगा, तो उसका क्या एंट्री बनेगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब आप बोले क्या कह रहे थे, देख हाँ उसकी डायरेक्ट बैंक कैश का मतलब नहीं है, चेक मिल गया होगा, तो अब देखिए यहाँ मेंशन थोड़ी कि कैश ही है चेक है, चेक होता तो क्या एंट्री बनती है, बैंक डेबिट, तो वो तो खैर कैश बैंक को देखो, ये सब जगह यही दिख रहा है, पहली एंट्री हो जाएगी कैश एट बैंक डेबिट या बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो कोई रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ा करें, पूछ क्या रहा है, रिसिप्ट की बात कर रहा है, सेल्स का नहीं पूछ रहा आपको, रिसिप्ट 31 सर 31 सर ठीक है, सी आंसर सी हो जाएगा, सेपरेट एंटिटी 32 सर लाइबिलिटी लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, 33 33 नॉट एन एसेट, तो ए आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर अच्छा पेटी कैश क्या होता है, छोटे खर्चों के लिए जो कैश होता है उसको कहते हैं पेटी कैश, जो छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश रखा जाता है, ये भी आगे पढ़ेंगे भी हम डिटेल में कैश जी, लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए जो कैश रखा जाता है उसे कहते हैं पेटी कैश, कैश कैश होता है ना, कैश है ना, छोटा कैश वो बड़ा कैश, वो कैश एसेट है, 100 रुपए का नोट हो 10 रुपए का नोट हो एसेट है, नोट तो नोट है,
कैश तो कैश है, ठीक है, आप कैश पेटी में हो या बैंक में हो, कैश ही हो। अच्छा कह रहे नॉट एन एसेट, ठीक है, अच्छा कैपिटल एसेट नहीं होता, पेटी कैश कैश एसेट है, सेल्समैन मोटर कार कार आपका एसेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेट होता है, एसेट है, ये भी आपका एक एसेट है, इनटेंजिबल एसेट कहलाता है। क्योंकि जब आप एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, लाइसेंस अगर हो पायरेट्स नहीं जा कॉपी नहीं लाइसेंस, तो उसकी आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं आपको एक की मिलती है, की एंटर करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप बन जाते हैं उसके ओनर। ठीक है, विंडोज आपकी अगर आप विंडो परचेज करते हैं तो आपको की मिलेगी, की एंटर करेंगे तो वो आप विंडो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, रजिस्टर्ड होने का मतलब आप बन गया उसके ओनर, ओनरशिप आ गई तो आपका एसेट हो गया। तो आंसर ए। अच्छा ये अब आवाज नहीं है, अब बंद कर दें अपने किए हुए सवाल, पहले नहीं बताएंगे, ठीक। अच्छा ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे, ये बाद में लिखवाऊंगा, 34 बाद में करेंगे। अच्छा 35 आप बंद कर बोलिएगा नहीं, बीच आंसर नहीं बताएंगे, पहले से हाँ और को बताने दें। 35 यूज है ना ड्रॉइंग, पर्सन यूज है, ये आंसर ड्रॉइंग्स होगी। अच्छा ये 36 बाद में देखेंगे, तो 37 बाद में सॉल्व करेंगे, 38 बाद में सॉल्व करेंगे, अभी 39, हाँ ये बता सकते हैं, 39 ये इसी और वो कूलिंग कर रहा है, हवा आ रही है, हवा तो देखते हवा आ रही नहीं, हवा भी नहीं आ रही। अच्छा नॉमिनल लेजर या जनरल लेजर, ना लेजर में क्या होता है, अकाउंट्स बनते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक ही बात है। तीन नाम लिखवाए थे मैंने, जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर, क्लीन लेजर, ऑप्शन बी 39 का बी होगा ना, बी आंसर है। अच्छा 40 में लिखा हुआ टेबल लेजर, ये भी हमने पढ़े नहीं है, बात यहाँ से ऑन कर ले, इधर से इधर से यहाँ से ऑन होगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40, आप ये पेबल लेजर ये भी हमने पढ़ा नहीं, बाद में पढ़ेंगे तो ये बाद में सॉल्व होगा। अच्छा ये बताए 40, क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन बी, सर नीचे ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन बताए, रेड और ड्राइंग टू थ्री, ऑप्शन बी होगा, बी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, रेंट एक्सपेंस और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है। हेलो काम नहीं कर रहे, 41 बी। अच्छा 42 बताता हूँ, गुजर गया, इधर आ जाए, लेट हो गए, 42 बी बी कह रहे हैं,
बी आंसर है प्राइमरी एंट्री, जिसमें और इनिशियल रिकॉर्डिंग होती है बाद में लेजर में पोस्ट कर देते हैं। बी आंसर 43 43 43 नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। स्टार्ट में मैंने नाम लिखवाए थे ना प्राइम एंट्री बुक्स के, प्राइम एंट्री में क्या आता है जर्नल जर्नल होता है और स्पेशल जर्नल होते हैं। स्पेशल जर्नल में क्या आता है सेल टेबल परचेज सेल रिटर्न परचेज रिटर्न कैश बुक पेटी कैश बुक। इसका आंसर होगा ए लेजर। देखिए लेजर एक चीज और बता दो, यहाँ लिखा हुआ रिसीवेबल लेजर ये भी हमने पढ़े नहीं, इससे पहले भी आया था पेबल लेजर वो भी हमने नहीं पढ़ा है तो ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखें लेजर किसी भी टाइप के हो बातें नहीं पवन समझा रहा हूं। देखिए लेजर किसी भी टाइप का हो, जर्नल लेजर हो, नॉमिनल लेजर, रिसीवेबल लेजर, पेबल लेजर। लेजर जब की बात होगी लेजर की वो आपके कहलाते हैं फाइनल एंट्री बुक। लेजर किसी भी टाइप के लेजर हो, जर्नल लेजर, नॉमिनल लेजर, रिसीवेबल लेजर, पेबल लेजर। लेजर का मतलब प्राइम एंट्री बुक, ठीक है, फाइनल एंट्री, प्राइम कह रहा हूँ फाइनल एंट्री बुक। लेजर किसी भी टाइप का होगा फाइनल एंट्री बुक्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा प्राइम एंट्री मैंने स्टार्ट में आपको लिखवाया था ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जर्नल जर्नल से पहले, तो उसमें दो टाइप लिखवाई थी प्राइम एंट्री बुक्स फाइनल एंट्री बुक्स। प्राइम एंट्री की फर्दर दो टाइप थी जर्नल जर्नल और स्पेशल जर्नल, पर स्पेशल जर्नल की 6 टाइप्स लिखवाई थी सेल्स डे बुक सेल्स रिटर्न डे बुक परचेज डे बुक परचेज रिटर्न डे बुक पेटी कैश बुक कैश बुक। ये सारी आपकी क्या थी प्राइम एंट्री। अब इसमें सेल्स डे बुक पेटी कैश बुक अच्छा लिखा हुआ है ट्रांसफर जर्नल, इसका दूसरा नाम जर्नल जर्नल होता है, जर्नल जर्नल को ट्रांसफर जर्नल भी कहते हैं, तो ये भी प्राइम एंट्री हो गई। बचा क्या लेजर, लेजर आपकी फाइनल एंट्री बुक आंसर हो जाएगा ए रिसीवेबल लेजर। आप बोले क्लियर प्राइम एंट्री क्या होता है इनिशियल रिकॉर्डिंग कहाँ होती है लिखवाया था ना अभी रिकॉर्ड इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्ड उन्हें कहते हैं प्राइम एंट्री बुक इनिशियल रिकॉर्डिंग होती है। तो ये बताया ये हमने ये था अब ये लिखा हुआ यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये अभी हमने पढ़े नहीं है ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये भी वही कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आ जाए इसमें 49 पे 49 49 बैंक डिपॉजिट अकाउंट एसेट होगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है नेचर क्या है लायबिलिटी बैंक लोन और कैपिटल कैपिटल इक्विटी हो जाए कैपिटल आंसर ए। अब इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है बाद में पढ़ेंगे। अच्छा 51 ये बताएं 51 टी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 51 मंडे को एक नाइन मंडे को हो जाएगा। अच्छा ये लिखा है आपका मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना है 4000 अब वो कह रहा हम आपका अपना ईयर एंड पे अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। अब ये बताएं इसका जो बैलेंस सीडी है वो किस साइड पर होगा बैलेंस बीडी किस साइड पर होगा ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ है डी आर था डी आर की डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डी आर सी आर क्रेडिट की सॉरी
अभी कितना लिखा है समझा देता हूँ, ये लिखा हुआ कि डेबिट मशीन कैरी डाउन, क्रेडिट मशीन तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मशीन आपका एसेट है, एसेट अकाउंट का पीडी आता है डेबिट पर, सीडी आता है क्रेडिट पर, तो ये सी होगा क्रेडिट पे सीडी और डेबिट पे पीडी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मशीन अकाउंट का कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा, ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर, ठीक है। अच्छा ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कैपिटल अकाउंट का बताना है, कैपिटल अकाउंट का कैरी डाउन किस साइड पर आता है, कैरी डाउन डेबिट पे, ब्रॉट डाउन क्रेडिट पर आता है, कैरी डाउन डेबिट, ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे, आंसर कैरी डाउन डेबिट ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर ऑप्शन ए। अच्छा ये बताएं 53 53, बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश इन हैंड है। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट की नेचर क्या है और कैश इन हैंड की नेचर एसेट होता है, तो लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होगा, एसेट का बैलेंस आंसर बी होगा, बैंक क्रेडिट कैश डेबिट होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है लायबिलिटी है, बी आंसर होगा। ओके अब ये 54, इसमें एक छोटा सा टी अकाउंट बनेगा, उसका आप बैलेंस निकालें, उसके बाद बताएं कैरी डाउन किस साइड पर आ रहा है, इसमें इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनेगा, इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना, 1000 की बाय की उसने, 800 की सेल कर दी और उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 1000 का, बाकी बताएं देखते हैं क्रेडिट 800 तो होगा। अच्छा अभी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट एसेट होता है, तो एसेट का कैरी डाउन, कैरी डाउन क्रेडिट में आएगा, तो आंसर होगा बी या डी, 800 या 1200, बी या डी में से आंसर आएगा, आप सॉल्व करें। हाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1000 है, बाय कितने का किया, कितने हो गए 2000, छोड़ कितने का किया, बचा कितना 1200, बैलेंस आएगा 1200 1200, और मशीन इक्विपमेंट आपका एसेट है, इसका कैरी डाउन क्रेडिट पे आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी क्रेडिट 1200, क्योंकि कैरी डाउन पूछ रहा है, सी डी। 55 55, अच्छा 2000 प्लस 2000 4 हो गए, माइनस 1800 बैलेंस होगा 2200 ना, और ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर, सी आंसर आ जाएगा। अच्छा ये 56 बाद में सॉल्व करेंगे, ये हमने पढ़ा नहीं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। 57 डेबिट क्रेडिट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लायबिलिटी एंड इनकम क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट लायबिलिटी और इनकम, बी आंसर, बी 57 बी लायबिलिटीज एंड इनकम, ठीक है। तो ये क्या है, 58 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
बी आंसर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्या है, डब ठीक है। 59 59 तो यहाँ बैंक लिखा हुआ है, ऑप्शन में कैश दिया तो देखिए बात कैश डेबिट होगा। ऑप्शन सी आंसर भाई, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऑप्शन सी। अच्छा ये बताएं 16 हाँ ये बाकी बताएं डी 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 सेकंड। अच्छा आप कह रहे हैं डी, आप लोग डी फोर। इसका हाँ जी आप ये पड़ोसी आपके तो इनको बुलाएं, आंसर बताएं। डी आंसर अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट डी। किस चीज की एंट्री पूछ रहे हैं, व्हेन द पेमेंट इज मेड व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस। पेमेंट को रिकॉर्ड कर, पे करेंगे तो एंट्री क्या बनती है, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट होता है। डी आंसर परचेज की एंट्री थोड़ी बता देंगे, डी पेमेंट। 61 बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी कैसे होती है, कैपिटल तो कैपिटल होता है ना, लायबिलिटी लायबिलिटी। 62 नॉट एन एसेट तो कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है आपका, एसेट नहीं होता। डी अच्छा ये बाद में सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा नहीं अभी। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो ये वही कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ तक ये थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो क्वेश्चन हमने टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आएंगे, आसान है हाँ और इजी है, हमने तो काफी डिटेल में पढ़ लिया है। ओके तो ये आपकी हो गई एग्जाम किट कंप्लीट।